फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के लिए पपाया शेक बनाकर लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसको पपाया स्मूथी भी बोल सकते हैं। कुछ लोग इसे स्मूथी बोलते हैं, कुछ लोग इसको शेक भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा भरपूर मात्रा में विटामिन के, विटामिन ई होता है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। आपको पाचन क्रिया की पेट में दिक्कत है तो आप इसको ज़रूर बनाकर पिएं। आप इसको गर्मियों के मौसम में ज़रूर बनाएं, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो आइए हम इसकी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये हमने पपीता ले लिया है। आप मीठा ही पपीता यूज़ करें, कच्चा पपीता ना यूज़ करें। और इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। तो अब बारी आती है मिक्सी ग्राइंडर में हमें पपीता को डाल देना है। इसके बाद बारी आती है फ्रेंड्स इसके अंदर चीनी डालने की। तो मैं 1.5 चम्मच के करीब चीनी डालूंगी। ज़्यादा हम चीनी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो पपीता है वो भी ऑलरेडी मीठा है। अब हम इसके अंदर 1.5 गिलास के करीब दूध डाल रहे हैं। तो देखिए, हमने इसके अंदर 1.5 गिलास दूध डाल दिया है। देखिए, अब बारी आती है इसको मिक्सी ग्राइंडर में अच्छी तरह से मिक्स करने की। तो चलिए, इसे अच्छी तरह से मिक्सी ग्राइंडर में इसका शेक बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो देखिए, बिल्कुल अच्छी तरह से हमारा शेक बनकर रेडी हो चुका है। इसको हम स्मूथी भी कहते हैं। तो चलिए, अब इसको हम सर्व कर देते हैं। गर्मियों के मौसम में बहुत ही ज़्यादा मन करता है कुछ ठंडा ठंडा खाने का, ठंडा पीने का। तो ज़रूर इस तरह से पपीते का शेक बनाकर आप पी सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है, बच्चों को सबको बहुत पसंद आने वाली है ये रेसिपी। और गर्मी के मौसम में ज़रूर इसको बनाकर पिएं। आपके पेट की जितनी भी दिक्कतें हैं वो सब खत्म हो जाएंगी और बहुत ही अच्छी तरह से आपकी पाचन क्रिया काम करेगी। और इस तरह से आप अपने घर में पपाया शेक बनाकर पी सकते हैं। बहुत ही ईजी रेसिपी है, बहुत ही अच्छी है और आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियोज़।